दुनिया में आज देखिए सऊदी अरब की वो हकीकत जिसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। आजादी या फिर अच्छी जिंदगी की तलाश, अपनी जान जोखिम में डाल महिलाएं क्यों सऊदी अरब से भाग रही हैं? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। सऊदी अरब की इस कहानी के अलावा कार्यक्रम में आज खेल समारोह में हिस्सा लेने सिडनी गए अफगान खिलाड़ियों ने वापस जाने से किया इनकार, ऑस्ट्रेलिया से मांगी शर्त। तैयार हो रहे हैं ऐसे करामाती अंडे जो सस्ते में करेंगे कैंसर का इलाज। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा आज बीबीसी दुनिया में। और बुलेटिन की शुरुआत सऊदी अरब की उन लड़कियों की दास्तान से जो घरेलू हिंसा और तमाम पाबंदियों से परेशान होकर भाग जाती हैं और पश्चिमी देशों में शरण लेती हैं। और हर साल सैकड़ों लड़कियां ऐसा करती हैं। हाल ही में रहाफ अल कुनून नाम की एक सऊदी लड़की काफी चर्चा में रही, जिसने अपने परिवार से भागकर और इस्लाम छोड़कर कनाडा में शरण ली। ये लड़कियां अपना देश इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उनके मुताबिक वहां जिंदगी तो उनकी होती है लेकिन उस पर नियंत्रण उनके परिवार के मर्दों का होता है। इन लड़कियों के पसंदीदा देशों में से एक ब्रिटेन भी है जहां वो शरण लेती हैं। बीबीसी संवाददाता हनन राजेक ऐसी ही एक लड़की से मिले। We were at Heathrow Airport. हम हीथ्रो एयरपोर्ट पे थे। मैं बहुत डरी हुई थी। So afraid. ये रवान है, ये उनका असली नाम नहीं है। वो उन तमाम लड़कियों में से एक हैं जो सऊदी अरब से भाग निकली हैं। रवान ने बीबीसी को अपने सफर के बारे में बताया। आपने कब तय किया कि बस अब बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं सहूंगी? मैंने साल भर पहले इस्लाम छोड़ दिया, फिर भी मुझे वो सब करवाया जाता था जिस पर मेरा यकीन ही नहीं था। सऊदी अरब के नियमों के मुताबिक पासपोर्ट बनवाते समय विदेश यात्रा के लिए या फिर शादी के लिए लड़की को अपने घर के किसी पुरुष सदस्य की अनुमति लेनी जरूरी है, चाहे वो भाई हो, पिता हो या कोई और पुरुष रिश्तेदार। My father controlled my life. मेरे पिता का मेरी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण था। वो ही तय करते थे कि मैं कहाँ रहूँ, क्या पढ़ूँ, कहाँ जाऊँ। एक महिला के तौर पर मेरे स्वाभिमान को चोट पहुँचाई जा रही थी। रवान ने बताया कि सोशल मीडिया ने उनकी काफी मदद की। I didn't know I could seek asylum as a Saudi. मुझे नहीं पता था कि सऊदी नागरिक होने के नाते मुझे शरण मिलेगी या नहीं। एक वेबसाइट ऐसे सऊदी लोगों की मदद करती है जो शरण लेना चाहते हैं। Help me with everything. जब वो परिवार के साथ विदेश यात्रा से वापस लौट रही थीं, तो उनकी फ्लाइट लंदन में रुकी। When we reached Heathrow, my family... जब हम हीथ्रो पहुंचे तो मेरे परिवार के लोग टॉयलेट गए। मुझे लगा कि यही मौका है मेरे पास। मैंने एक एयरपोर्ट कर्मचारी को एक पर्ची थमा दी जिसमें लिखा था कि मैं यहाँ शरण चाहती हूँ। जब पुलिस ने ये बात मेरे परिवार को बताई तो उन्होंने मुझे कॉल किया ताकि मैं अपना विचार बदल लूं। लेकिन मैंने उनका फोन ही नहीं उठाया। अल कतैबी ने रवान के इस पूरे सफर में उनकी मदद की। वो सऊदी अरब से भागकर शरण की इच्छा रखने वालों की सहायता करते हैं। About 9 out of 10, I have... पिछले साल जिन 10 लोगों की मैंने मदद की उनमें 9 औरतें थीं। उनमें से कई तो कभी विदेश भी नहीं गई थीं। जब कोई सऊदी नागरिक यहाँ पहुँचता है तो मैं उसका परिचय एक स्थानीय एनजीओ से करवाता हूँ, लेकिन मैं उन्हें पैसे या ठहरने की जगह मुहैया नहीं कराता हूँ। अल कतैबी ने भी एक साल पहले ही ब्रिटेन में शरण की अर्जी दी थी। उनके मुताबिक कई मर्दों के लिए भी सऊदी अरब की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। My dad was very strict and used to... मेरे पिता मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। वो मेरी पिटाई करते थे। मैं इतना निराश हो गया कि खुदकुशी के बारे में तक सोचने लगा। मैं खुलकर सऊदी अरब के नियमों की आलोचना करने लगा। एक दफा मेरे फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया गया जिसमें मैं वहाँ की राजनीति के बारे में कुछ कह रहा था। मेरी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। सऊदी अरब से भागकर ब्रिटेन में शरण की चाह रखने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। साल 2014 में जहां ये संख्या 14 थी, वहीं 2017 में ये 38 तक पहुंची। रवान कहती हैं कि वो सऊदी अरब लौटने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने ये सब वो आज़ादी पाने के लिए किया जो मेरे पास कभी नहीं थी।
मेरा इससे पहले अपनी जिंदगी पर नियंत्रण था ही नहीं। कौन से कपड़े पहनूं ये तक तय करने का हक नहीं था मुझे। मैं अब सऊदी अरब नहीं जा सकती। और ये लड़कियां कहती हैं कि बेहतर भविष्य के सपने संजोए या आजाद जिंदगी की तलाश कर रही हैं। और बेहतर जिंदगी की तलाश कुछ खिलाड़ियों को भी है। अपने देश अफगानिस्तान के हालात का खौफ इतना है कि ये खिलाड़ी लौटकर वहां जाना नहीं चाहते। ये वो अफगान खिलाड़ी हैं जो उन पैरा एथलेटिक गेम्स में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया गए थे जो पूर्व सैनिकों के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन्हें इनविक्टस गेम कहा जाता है। अफगान टीम के इन खिलाड़ियों का कहना है कि वापस जाने पर उनकी जान को तालिबान से खतरा हो सकता है। दुनिया भर के लगभग 18 देशों के 500 पैरा एथलीट ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में जमा हुए। मौका था विकलांगों के लिए होने वाले इनविक्टस गेम्स का, जिसमें लड़ाई के दौरान घायल हुए पूर्व सैनिक हिस्सा लेते हैं। इनमें अफगानिस्तान की टीम भी थी जो कि स्पेशल वीजा पर यहाँ आई थी। उन्हें अपने देश से बाहर एक अलग दुनिया दिखी। सिडनी की चकाचौंध में उन्हें जिंदगी की एक नई उम्मीद दिखी। इसलिए खेल के समापन समारोह के बाद 6 सदस्यों वाली इस टीम ने वापस अफगानिस्तान जाने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि खेल में हिस्सा लेने के चलते वो तालिबान के निशाने पर आ जाएंगे। सोहेल ब्रिटिश सेना के साथ अफगानिस्तान की सुरक्षा के मिशन पर थे। एक लैंडमाइन ब्लास्ट में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। अफगानिस्तान में खतरा है, हम वहां बचकर नहीं निकल सकते क्योंकि वहां तालिबान और दूसरे चरमपंथी संगठन मानते हैं कि विदेशियों से बात करना या उनके साथ खाना खाना भी इस्लाम के खिलाफ है। हमारे खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में शरण मिलने में भी काफी वक्त लग सकता है क्योंकि इनकी अपील की जाँच होगी। तब तक वहां रहने और खाने के लिए उन्हें चैरिटी का सहारा लेना पड़ रहा है। विकलांग लोगों के लिए अफगानिस्तान में जिंदगी है ही नहीं, पर ऑस्ट्रेलिया में कई सुविधाएं हैं। इन खिलाड़ियों की वकील को भरोसा है कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहने का मौका मिल जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान के इन पूर्व सैनिकों ने नेटो और ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों का लड़ाई के मोर्चे पर साथ दिया है। इन लोगों ने हमारी मदद के लिए अपने शरीर के अंगों के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों की कुर्बानी दी है। इनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। ये खिलाड़ी तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, पर इनके पीछे इनका परिवार, पत्नी और बच्चे अफगानिस्तान में ही रह गए हैं। इन्हें उम्मीद है कि शायद वो भी इनके साथ ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे, पर फिलहाल उन्हें इंतजार है इस बात का कि क्या इस देश में उन्हें अपना घर बसाने का मौका मिलेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया आकर पनाह मांगने वाले ये पहले खिलाड़ी नहीं है। इससे पहले साल 2000 के ओलंपिक के दौरान करीब 100 खिलाड़ियों ने यहां आश्रय मांगा, तो पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान 200 खिलाड़ियों ने गोल्ड कोस्ट से वापस अपने देश जाने से ही मना कर दिया था। और अब खबर अमरीका से। वहां के खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि देश की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई बातों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। खुफिया एजेंसियों ने एक सीनेट कमेटी को जानकारी दी कि बातचीत की तमाम पहल के बावजूद उत्तर कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा, इस बात की संभावना बेहद कम है। एजेंसियों ने यह भी जानकारी दी कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने में सक्रिय नहीं है। सीनेट को यह भी बताया गया कि इराक और सीरिया समेत मध्य पूर्व में अभी हजारों इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी सक्रिय हैं। हाल ही में सीरिया से अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और आगे बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में देखिए कैसे जम गई शिकागो की नदी और एक ऐसा साइकिल सवार जो हेलीकॉप्टर से लगाता है छलांग। और लोकपाल की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज से फिर अनशन पर है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पहले भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर चुके अन्ना के इस कदम को हमारे कार्टूनिस्ट कीर्तिश कैसे देखते हैं, आइए देखें। और ब्रेक के बाद देखिए कैंसर का इलाज करने वाले अंडे। और गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनकी पोती से खास मुलाकात। तो आगे बहुत कुछ है बीबीसी दुनिया में, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। आज महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि है। बीबीसी की टीम दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स आश्रम पहुंची, जो गांधी जी की एक अहम विरासत और यहां भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी बस्ती है। फीनिक्स आश्रम की शुरुआत गांधी ने 1904 में की थी। बीबीसी की टीम ने महात्मा गांधी की पोती इला से बातचीत की, जो आज भी वहीं रहती है। फीनिक्स आश्रम, महात्मा गांधी ने इसे 1904 में बनाया था और पत्नी कस्तूरबा के साथ वो कई साल यहाँ रहे। उनकी पोती इला गांधी का जन्म यहीं हुआ। वो यहाँ ये सोचकर आए थे कि वकील होने के नाते उनका दर्जा ऊंचा होगा, लेकिन यहाँ उन्हें एहसास होने लगा कि आप चाहे वकील हों या झाड़ू लगाने वाले, आप अगर गरिमा और स्वाभिमान से काम करें तो सभी के काम की इज्जत होनी चाहिए। And you do your work with dignity and with self-respect. भारत में महात्मा गांधी की बढ़ती आलोचना और उनकी सीख को नजरअंदाज करने पर भी वो मायूस नहीं है। The others can say, oh, he was a racist. कुछ लोग कह सकते हैं कि वो नस्लवादी थे, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन अगर वो गांधी जी के सिखाए रास्ते पर चल रहा है, फिर वो गांधी जी को पसंद करे या ना करे, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक अच्छे मनुष्य की तरह जी रहा है। गांधी की सोच में परिवर्तन लाने में उनकी पत्नी कस्तूरबा का भी हाथ था। जब आप बा के जीवन को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो खुद बहुत दृढ़ थी। उन्होंने गांधी जी से बहुत कुछ सीखा। ये कम ही लोगों को पता होगा कि गांधी पर्यावरण की अहमियत को इसी आश्रम में रहकर समझे थे। हम आज पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, लेकिन गांधी जी ने फीनिक्स से पर्यावरण की देखभाल का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखा है कि उन्होंने पानी और पृथ्वी का संरक्षण कैसे किया, उन्होंने कैसे अच्छी आदतों का अभ्यास किया ताकि यहाँ गंदगी ना हो, मक्खियाँ ना आए और बदबू ना फैले। तो गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रही है उनकी पोती इला गांधी। और अच्छी सेहत का राज अंडे में छिपा है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या इससे जानलेवा बीमारियों का भी इलाज हो सकता है? ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने मुर्गियों के जीन में फेर बदल कर उनसे ऐसे अंडा पैदा करवाने में सफलता पाई जिनसे कैंसर और गठिया जैसी बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा, और ये मौजूदा दवाओं की तुलना में 10 गुना तक सस्ता भी होगा। देखिए बीबीसी संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट। ये कोई आम मुर्गियां नहीं हैं, ये ऐसे अंडे दे सकती हैं जिनसे कैंसर का इलाज भी मुमकिन है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मुर्गियां हैं जो कि ऐसे अंडे देंगी जिससे इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, और ये अंडे ऐसी ही दवाओं की तुलना में 10 से लेकर 100 गुना तक सस्ते होंगे। अगर आपको ज्यादा अंडे चाहिए होंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा मुर्गियाँ चाहिए होंगी, इसलिए हमने ये मुर्गा भी रखा है जिससे बड़ी संख्या में मुर्गियाँ पैदा होंगी और अंडे भी बहुतायत में होंगे जिससे सप्लाई का संकट दूर होगा। 3 अंडों से एक खुराक तैयार की जा सकती है, वहीं एक मुर्गी एक साल में लगभग 300 अंडे तक दे सकती है, लेकिन सभी जांच प्रक्रियाओं के बाद मरीजों तक इसे पहुंचने में 10 से 20 साल लग सकते हैं। आम अंडों की तरह ये अंडे खाने के लिए नहीं हैं। अंडों के सफ़ेद भाग से निकलने वाली दवा की पहले सफाई की जाती है और फिर इसे पैक किया जाता है। पहले जीन में फेर बदल कर ऐसे जीव बनाना काफ़ी मुश्किल और महंगा था, लेकिन हमने ऐसी तकनीक निकाली है जिससे ऐसा करना अब आसान है और समय भी कम लगता है। उम्मीद है जीन एडिटिंग के जरिए ये काम और आसान हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां तैयार कर सकेंगे जिससे दुनिया भर में खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का किफायती इलाज मुमकिन होगा। और एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पानी में लायन डांस का नजारा। दिखाएंगे आपको ग्लोबल राउंड अप में।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह और अब वक्त है ग्लोबल राउंडअप का और पहली खबर ब्रिटेन से। यूरोपीय संघ के नेताओं ने कहा है कि नवंबर में ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे के साथ हुए ब्रेग्जिट समझौते पर कोई पुनर्विचार नहीं हो सकता। इससे पहले ब्रिटानी संसद ने टेरेसा मे को समझौते में संशोधन की कोशिश करने की मंजूरी दी। इसके लिए वो ब्रसेल्स रवाना होंगी। सुनिए इस प्रस्ताव को जीतने के बाद ब्रिटानी प्रधानमंत्री ने क्या कहा। It is now clear that there is a route that can secure a substantial and sustainable majority in this house for leaving the EU with a deal. कार निर्माता कंपनी निसान के पूर्व चेयरमैन कार्लोस गॉन ने खुद पर लगे वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप पर सफाई दी। जापान में गिरफ्तारी के बाद अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने इसे निसान के कर्मचारियों की साजिश बताया है और इसके लिए गद्दारी शब्द तक का इस्तेमाल किया है। ब्राजील में बांध टूटने की घटना के बाद खनन कंपनी वेल अब वैसे 10 बांध बंद करने वाली है। कंपनी के प्रमुख ने कहा कि इसमें $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होगा। शुक्रवार को ही घटना में अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 300 लोग अब भी लापता हैं। और इसके अलावा खबरों में है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो, जिन्होंने कहा है कि देश में जारी राजनीतिक आर्थिक संकट को खत्म करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता वाली बातचीत के लिए तैयार है। हफ्ते भर पहले विपक्षी नेता ख्वान ग्वाइदो ने खुद को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। और ये है पानी में पूरी शान से तैरता और डांस करता रंग बिरंगा चाइनीज शेर, जिसके पांव पानी में मछली की तरह चलते हैं। लेकिन ये कोई असली शेर नहीं है, दरअसल नए साल पर मलेशिया में लायन डांस की परंपरा है, जिसके तहत लोग शेर का रूप धारण कर गाजे बाजे के साथ पानी में डांस करते हैं। स्कॉटलैंड के साइकिल राइडर क्रिस कायल का ये स्टंट धूम मचा रहा है। वो ऊंचाई से डरते हैं, इसके बावजूद उन्होंने हेलीकॉप्टर से एक होटल की छत पर साइकिल उतारी। हेलीकॉप्टर से साइकिल लेकर उन्होंने 14 फुट की छलांग भी लगाई। जमी हुई नदी का ये नजारा अमेरिका के शिकागो का है। अमेरिका में इस हफ्ते सदी की सबसे भीषण सर्दी पड़ सकती है, तापमान -53 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लोगों को गहरी सांस लेने और कम से कम बात करने के लिए कहा गया है। वहां पर हालात फिलहाल इस तरह के भी दिख रहे हैं। और हरियाणा से अक्सर अंतर जातीय विवाह को लेकर सजा देने की खबरें आती हैं, कई बार तो उन्हें जान से मारने की भी खबर आती है। पड़ोसी हरियाणा में पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक 585 अंतर जातीय शादियां हुई हैं। वहां सरकार का दावा है कि इसकी वजह सरकारी योजनाएं हैं। क्या वाकई ऐसा है? दिखाएंगे आपको कल शाम 5:30 बजे बीबीसी दुनिया में। और बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना।